योगी राज में नहीं थम रहा है कोटेदारों की दबंगाई, नहीं मिल रहा है गरीबों का पूरा गल्ला। जनपद बहरेज के ग्राम पाठक पट्टी मजरा रामगढ़ी के कोटेदार दीप चंद्र कर रहे हैं दबंगाई, नहीं दे रहे हैं गरीबों का पूरा राशन। जनता को आवाज उठाने पर देते हैं धमकी, खुले आम वीडियो में कह रहे हैं कि जो गल्ला दे रहा है उसी से ले लो वरना यहां से भाग जाओ। गरीबों की अत्यंत परेशानी और कोटेदारों की दबंगई जारी है। जब गरीब औरत पूरा गल्ला मांगने लगती है तो उनका कार्ड फाड़ कर फेंक देते हैं और धक्का मुक्की देकर वहां से भगा दिया जाता है। गरीब औरतों को कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के पास दौड़ते दौड़ते थक गए हैं पर कोई सरकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाद अभियुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा महादेव के आदेश के बाद भी इस कोई सरकारी कर्मचारी जांच के लिए नहीं जा रहे हैं। कोटेदार की महामारी जारी, सरकारी कर्मचारी एकदम ठप। योगी राज में कोटेदार की दबंगई, खाद अभियुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा गुहार लगाते हुए 27/8/2020 को आदेश हुआ और उनके आदेशों कर रहे उल्लंघन। भ्रष्ट कोटेदार दे रहे धमकी कि मैं किसी अधिकारी के आदेशों को नहीं मानता हूं, जो मन में आएगा वही करूंगा। कैसे मिलेगा गरीबों को न्याय? योगी राज में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है कोटेदार। सराजुद्दीन खान के साथ तस्वीर अहमद की खास रिपोर्ट। अरे महीना दे महीना और है यार, बटवारी कर नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिराज खान। हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहराइच जनपद के ब्लॉक तेजवापुर अंतर्गत ग्राम रामगढ़ी में उपस्थित हैं, जहां पर कोटे के संबंध में ग्रामवासियों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिला। आइए, कुछ ग्रामवासी यहां पे उपस्थित हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि उनका कोटे के संबंध में क्या कहना है। पहले आप अपना नाम बताइए। कलामुन नाम। कलामुन जी, आप किस गांव की रहने वाली हैं? चक गांव की। यहां का कोटेदार कौन है? गोखरन है। कोटे के संबंध में क्या कहना है आपका? राशन आपको अभी बता रहे थे, आपके क्या से क्या है, क्या आपका कहना है वो बताइए। राशन हमका भैया, हमारा 3 दिन उठा, हमका 13 किलो मिला था, हमका 15 किलो मिला चाहिए, अरे 12 किलो मिला था। फ्री है तो 12 किलो, और अगर पैसा से है तो हमें 12 किलो मिला था, 15 किलो हमका नहीं मिला। तो आपने बताया नहीं कोटेदार को कि हमारा 15 किलो बन रहा है, 12 किलो के हाँ, क्यों दे रहे हैं? कई बार बताए तो कार्ड पर चढ़ाए दीजिए ना, अरे 15 किलो दे रहे हैं, 12 किलो। तो फिर आप लोग कार्ड पे अगर वो 12 किलो आपको देते हैं तो कार्ड पे क्यों आप 15 किलो चढ़वाते हैं? कहा तो ना, वही चढ़ाए दे, खुद चढ़ाए, मानत नहीं, खुद चढ़ाए देते हैं। ब्लॉक आपका क्या है? तेजवापुर है। जनपद बहराइच है। आप क्या आपका नाम क्या है? शरीफुन। शरीफुन जी, शरीफुन जी, ये बता शरीफन जी, आप स्वयं कार्ड धारक हैं? कितने यूनिट हैं आपके? 5। कितना राशन आपको मिल रहा है? 20 किलो मिल रहा है। इसका भी आप कोटेदार को कहे तो क्या बोले इस विषय में? 20 किलो दिया था, कहा था 1 यूनिट तुम्हारे को बनते है, बता दो कौन दूसरे गल्ला पर चला गया। एक दूसरे गल्ले पे चले। इसकी शिकायत आगे कहीं और की गई है कि नहीं? हम कही थे कि हमका पूर दो 25 किलो पूर दो, तो कहा था नहीं 20 किलो दे दो, बनते ना है, जब देखो तो 20 किलो दे दो, फ्री हुई तो बस ही, तो 20 किलो ही देता है। नाम क्या है? वसीमा। वसीमा जी, आप स्वयं कार्ड धारक हैं? हाँ। किस गांव की आप रहने वाली हैं? आप भी चक्की रहने वाली हैं। ब्लॉक क्या है आपका? तेजवापुर। जनपद कौन है कोटेदार आपका? गोखरन कोटेदार है। क्या अभी कितना आपको गल्ला कम मिलता है? गल्ला हमारा है 7 यूनिट मिला था हमका 28 किलो। 7 यूनिट पे आपको 28 किलो मिल रहा है। इस विषय में आपने कोटेदार से शिकायत की? कहा तो कहीं जोन करेगा तो कर ले, हमारा कुछ न कही कही कोई। यही तो ना मोला। अच्छा, और आपने बहराइच जिला अधिकारी को सूचना दी? आपके किसी ग्रामवासी ने या किसी ने आपको वहाँ अधिकारी के यहाँ सूचना दर्ज कराई इस विषय में? कराए तो वो कुछ बनता ही नहीं। किस ग्राम में रहते हो? रामगढ़ी। क्या मामला आपका कोटेदार का? क्या मामला? हमारा मामला ये है कि हम लोग गल्ला आने जाते हैं तो वो जो है 4 किलो जो है यूनिट पर 4 किलो दे पा रहे हैं, और जो हम लोग कहते हैं कि आप जो है कम क्यों दे रहे हैं, तो कह आप चाहे जहाँ जाइए हम इससे फायदा नहीं दे पाए। कौन सा कार्ड आपका है? जी BPL। उसके विषय में किसी की शिकायत किया नहीं किया? हमने किया। कहाँ कहाँ किया आपने? हमने गोंडा में किया। फिर यहाँ जिले स्तर पर जब नहीं किया? हाँ, जिले पर गए। कहाँ कहाँ गए? बहराइच गए, DM के पास।
फिर जो है अपने तहसील गए, वहाँ भी दिए, हाँ गोंडा में गए, हाँ वहाँ जहाँ जहाँ गए वहाँ से कोई अभी जांच नहीं हुई, जांच यहाँ लगे आई नहीं, कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं। आप बता जुबैर रहमान किस गांव से रहते हो? जनपद जिला बहराइच। बताइए कि आप बताइए इसके विषय में क्या जानते हैं, बताइए कुछ। जी हम लोग कोटेदार के वहाँ जैसे गल्ला लेने जाते हैं तो जैसे हमारा दो यूनिट है तो उनसे जैसे कहते हैं कि गल्ला दे दीजिए, गल्ला लेने गए तो कहता है कि मतलब जो है आपका अभी आज का नंबर नहीं है, कल आइए, नंबर मतलब कोई भीड़ वीड़ नहीं रहती है, फिर भी जब गल्ला लेने जाते हैं तो दौड़ाता है और जो है जैसे चार किलो गल्ला देता है तो पाँच किलो दो, जैसे फ्री वाला जो आता है तो उस पर जो हम लोग गल्ला लेने के लिए बोलेंगे चार किलो की दे रहे हो पाँच किलो दो तो कहता हम लोगों को वहाँ से कम आता है, घर कम आता है, वहाँ से कम आता है, जब वहाँ से कम आता है तो हम लोग को आपको पूरा कैसे दें जो करना कर लो। तो परिवार कौन है? दीपचंद है का जी। और किलो चना देता है, जब एक किलो चना उसको ला के घरे तोलो तो 700 ग्राम निकलता है, तोलने पे घटता भी है, हाँ घटता भी है। और गल्ला गल्ला भी कम निकलता है। कितना कम निकलता है? अब जैसे वहाँ से चार किलो दिया, चार किलो गेहूँ चार किलो चावल वहाँ से दिया तो यहाँ पे ला के तोलोगे तो 3 किलो चार किलो ऐसे कम निकलता है, तोलने घटता है, हाँ कम निकलता है, जो है हमें वहाँ से कम मिलता है तो क्या करें, आपकी मर्जी हो तो ले जाओ ना मर्जी हो तो छोड़ दो। धमकी भी देता है और जो है धमकी देता है कई बार बोरी कारो डारो फाड़ फोड़ के फेंक दिया। किसने फेंका? मूलचंद ने, छोटे लड़के ने, बदतमीजी करता है, कहता कि जो आज हम मौजे के नहीं बांटेंगे, तुम मौजे के बांटेंगे, तुम्हें लेना हो तो लो लो जाओ। औरतों को भी ढकेल देता है, औरतों के साथ बदतमीजी करता है। नूरुल होता है सर। किस गाँव के आप निवासी हैं? मैं चक गाँव का निवासी हूँ। चक गाँव आपका ब्लाक क्या लगता है? ब्लाक मेरा तजवापुर लगता है। जनपद? जनपद बहराइच लगता है। कोटेदार कौन है? दीपचंद है। कोटे के संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी, बोलिए क्या बात। मेरा जो है गल्ला भी कम मिलता है वहाँ पे जी, और हर चीज़ जब वहाँ पे जाएं औरतें तो औरतों का कार उठा करके फेंक देता है, औरतों को धक्का मार देता है, कभी ये भी करता है, कभी मारपीट भी होने की नौबत आ गई। लेकिन वहाँ कुछ बना बोल दिया कि हम हर जगह जा करके एप्लीकेशन देंगे, बोला कुछ भी करवा लो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इसके विषय में किसी को एप्लीकेशन दिया आपने? दिया। किसको दिया? डीएम साहब को दिया हूँ, डीएम साहब को दिया हूँ, और 27/6/2020 को आयुक्त जो है खाद आयुक्त गोंडा से दिया हूँ, वहाँ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम इसके विषय में कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं इसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। और गल्ला भी अगर 20 किलो दिया है तो यहाँ पे ला आपका कौन सा कार्ड है? मेरा कार्ड APL है। कई यूनिट का कार्ड है? 4 यूनिट। कितना किलो गल्ला मिलता है? 18 किलो। 18 किलो जी। अच्छा 16 किलो देता है, 16 किलो पे यहाँ के लाके तोलते तो 14 किलो उतरता है। अच्छा तोलने भी घटता भी है? तोलने में भी घटता है। इसके बाद बार मरतबा मैं तोल चुका हूँ। चना नहीं देते हैं? चना देता है, 2 किलो पे चना है तो 1 किलो चना देता है, कभी आधा किलो चना देता है, कभी ये बोलता है चना आया ही नहीं है। और बोलने पे आपका कहने का मतलब कोटेदार से जब आप लोग कुछ कहते हैं तो झगड़ा पे उतारा? झगड़ा भी उतारा होता है, मारपीट की नौबत भी आ जाती है वहाँ पे। ये कितनी बार हो चुका है? कई बार हो चुका है, जब से यहाँ गल मेरा शुरू हुआ है तब से यही हाल है, तब से यही हाल है। पट्टी मजरा रामगढ़ी के लोग यहाँ पे अभी उपस्थित थे, कोटे के विषय में अभी हमारी इनसे बातचीत चल रही थी। इन्होंने बताया कि गल्ला कम मिलने के बावजूद जब कोटेदार से लोग शिकायत करते हैं तो कोटेदार मारपीट पे उतावला हो जाता है, और जो महिलाएं जाती हैं उनका कार्ड वार्ड भी फेंक देता है और बदतमीजी से पेश आता है। इसी संबंध में ये लोग SDM व खाद्यान्न उप जिलाधिकारी के वहाँ पे भी गए और वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिया। उसके बाद यहाँ किसी प्रकार की इनको सफलता ना मिलने के बाद ये लोग देवीपाटन मंडल गोंडा खाद आयुक्त वहाँ पर पहुँचे, एप्लीकेशन दिया 27/8/2020 को। वहाँ से आर्डर आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई कोटेदार के ऊपर नहीं करी गई है। इस विषय में गांववासियों में एक भारी आक्रोश देखने को मिला है कि अब हम लोग कहाँ न्याय के लिए जाएं।